नमस्कार, जी एस बाई डी एस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ली थी और उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको उपलब्ध करा दी गई, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम के लायक एक बेहतर एनवायरमेंट तैयार कर देगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी कोशिश की जाएगी कि आपको उतनी जानकारी दे दी जाए, ताकि यहाँ से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो भी प्रश्न आप कर ले जाएं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। राज्य अगर बात करते हैं तो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और राज्य है तो राज्य की राजधानी क्या होगी? भोपाल। सबसे बड़ा शहर, अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। और वहाँ की राजभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो अभी तक हम लोगों ने तीन बड़ी जानकारी ले ली, राजधानी की, सबसे बड़े शहर की और राजभाषा की। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। अगर देखते हैं कि भाई मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री भी काफ़ी दमदार होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री का नाम आते ही ये हो जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी कोई है, यानी कि अगर प्रदेश को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो वो सीधे गवर्नर के अंतर्गत काम करेगा। तो यहां पर राज्यपाल, राज्यपाल यानी अंग्रेजी में उसे कहेंगे गवर्नर, और अगर हम लोग इतिहास में यही चीज लिखते तो क्या लिखते उसको? सूबेदार। तो यहाँ पर सूबेदार जो हैं यानी राज्यपाल जो हैं वो कौन है? आनंदी बेन पटेल। कौन है? आनंदी बेन पटेल। ठीक है, तो ये मुख्य जानकारी है मध्य प्रदेश राज्य की। अगर देखते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से पांचवा राज्य है। अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन सबसे अधिक कितनी है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ पर मिलेगा, और लेकिन सबसे अधिक जो डेंसिटी है वो 236 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ डेंसिटी है लोगों की रहने की है, यानी एक किलोमीटर के दायरे में 236 लोग रहते हैं। साथ ही साथ यह पांचवा स्थान रखता है किसमें? जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के स्तर पर अगर देखें तो पांचवा स्थान है। तो जनसंख्या में ये भारत में पांचवें स्थान पर है। राज्यों की अगर जनसंख्या की तुलना यहाँ की जाए, और जनसंख्या की तुलना जो की जा रही है वो 2011 के जनगणना के अनुसार की जा रही है। ठीक है, और अगर जानकारी देखा जाए इसमें तो यहाँ पर 1 नवंबर 2000 तक सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का राज्य के रूप में ये जाना जाता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, और जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो मध्य प्रदेश की सीमाएं पांच सीमाओं से घिर गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, भूगोल के हिसाब से भी देखें तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो सकता है कि मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके अगल बगल कितने और राज्य हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना होगा कि अगल बगल पांच राज्य हैं, यानी पांच राज्यों की सीमाएं यहाँ पे मिलती हैं। तो इसके विषय में जानकारी ले लें, मध्य प्रदेश पांच राज्य की सीमाओं से आबद्ध है। मतलब इनसर्कल्ड बाई फाइव स्टेट। तो आबद्ध का मतलब घेरा रखे हुए है, घिरा हुआ है, पांच राज्यों से घिरा हुआ है। उसमें जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश,
हिंदी में ही लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात और राजस्थान है, कौन सा है, गुजरात और राजस्थान है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश को इनसर्किल करते हैं, उसको घेरते हैं। और यहाँ पर हाल ही में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति जो औसत आय है वो भी काफ़ी अच्छा है अन्य राज्यों की तुलना में। और साथ ही साथ 2010-11 में राष्ट्रीय पर्यटन का पुरस्कार भी यह जीता है। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय पर्यटन का पुरस्कार जीतने में किस कौन आगे था, तो यहाँ पे नाम आता है मध्य प्रदेश का। तो अब तक आप ये पूरा लिख चुके होंगे, हम इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब जरा ऐतिहासिक व्यवस्था इनकी देख ली जाए कि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक व्यवस्था क्या थी, यानी इतिहास के क्षेत्र में इनका क्या परिचय था। तो भारत की जो संस्कृति है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे पौराणिक आख्यान मिलते हैं, और उन पौराणिक आख्यानों से ये पता चलता है कि यहाँ पर 5 लोक संस्कृतियों का समावेश है। और वो 5 लोक संस्कृतियाँ हैं निवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर, यानी चंबल। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो, और नदियों के अगर महत्ता के बारे में देखा जाए तो नदियों के महत्ता में यहाँ पर नर्मदा, सोन, सिंध, चंबल, चंबल के बाद बेतवा, केन, धसान, ताप्ती, सिप्रा, काली, ये सब जो नदियाँ हैं वो एक ऐतिहासिक जो पौराणिक साक्ष्य हैं उनमें इनका नाम बहुत जगह आया हुआ है, और बहुत सारे स्थितियों में ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा भी की हैं। तो हम चलिए 5 लोक संस्कृतियों के बारे में जरा एक बार देख लें कि ये 5 लोक संस्कृतियाँ जो हैं वो किस तरह के है। जो निमाड़ है, पहला अगर देखा जाए निमाड़, तो 5 लोक संस्कृतियाँ यानी संस्कृतियों का संगम अगर देखा जाए, संस्कृति का संगम क्षेत्र है मध्य प्रदेश। तो संस्कृति का जो संगम क्षेत्र मध्य प्रदेश है वहां पर कितनी संस्कृतियां हैं, 5 संस्कृतियां हैं। संगम की जब बात करते हैं तो यहां पे 5 हैं। पहला निमाड़ है, ठीक है, निमाड़ के बाद मालवा, मालवा के बाद बुंदेलखंड, ठीक है, मालवा निमाड़ है, मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, और ग्वालियर है। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर, ये इनके अलग अलग जीवन शैली की बात है। तो अगर निमाड़ की सबसे पहले बात कर लें, निमाड़ में वो छोटे छोटे इसमें चीज़ें देखी जाएंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो निमाड़ जो है यह विंध्य की उत्तुंग शैल जो श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रेणियों की जो उत्तुंग शैल श्रृंखला है और सतपुड़ा वाली व्यवस्था है वहाँ पर यह मौजूद है। और यहाँ पर पौराणिक काल में निमाड़ अनूप जनपद कहलाता था। ये क्या था, पौराणिक अनूप जनपद कहलाता था। तो पौराणिक अनूप जनपद का नाम अगर आता है तो वह निमाड़ के रूप में कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें निमाड़ की संज्ञा दी गई है और पश्चिमी निमाड़ के रूप में अथवा पूर्वी निमाड़ के रूप में ये जाना जाता है। चलिए
तो ये हटा दें ताकि मालवा के विषय में भी लिखा जा सके। यहाँ पे फिर एक ही चीज़ जानिएगा कि निमाड़ जो है वो प्राचीन अनूप जनपद कहलाता था। उसी तरह अगर मालवा को देखा जाए तो मालवा महाकवि कालिदास की धरती के रूप में जानी जाती है। तो मालवा कालिदास से संबंधित है, ठीक है। तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं इसमें देखना है ना, नहीं तो फिर अलग अलग फिर इसमें कहना पड़ेगा। आइए जानते हैं बुंदेलखंड के बारे में। तो बुंदेलखंड का जो ऐतिहासिक व्यवस्था है, उस ऐतिहासिक व्यवस्था में बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पांच जिले, चार कर लीजिए, चार जिले और मध्य प्रदेश के पांच जिले शामिल थे। पहले इतने जिले शामिल थे लेकिन अब उतने जिले नहीं, क्योंकि वो सब किस में आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए, उत्तर प्रदेश में अलग हैं। तो यहाँ पर पहले के समय जो बुंदेलखंड हुआ करता था वो उत्तर प्रदेश के चार जिले थे और मध्य प्रदेश के पांच जिले इसमें शामिल थे। अब जब उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम आता है तो वो कौन कौन से जिले थे उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के जिले थे जो जालौन, झांसी, हो गया जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के चार जिले हैं। और अगर मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के पांच जिले हैं इसमें, और मध्य प्रदेश के जो जो जिले इसमें शामिल किए गए थे, जो शामिल थे उनमें जो था सागर, दतिया, टीकमगढ़, ये हो गया तीन। चौथा जो है छतरपुर और पांचवा जो है यहाँ पे पन्ना। तो ये पुराना जो था ये बुंदेलखंड था, लेकिन अभी का जो है वो बुंदेलखंड काफ़ी अलग है, क्योंकि ये सारे जिले उत्तर प्रदेश में हो गए हैं और बाकी जो पांच जिले थे वो मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए गए हैं। अब आइए बघेलखंड के बारे में बात करें। तो ये हटा दे रहे हैं क्योंकि यहीं पे हम उसके बारे में भी लिखेंगे। तो बघेलखंड की जब बात करें तो ये बघेलखंड धरती का अति प्राचीन संस्कृति का क्षेत्र रहा है, और इसमें जो महाभारत काल का विराटनगर यानी यहाँ पर बघेलखंड महाभारत काल का विराटनगर, इसे बघेलखंड को क्या कहा जाता है, महाभारत काल का जो है ये विराटनगर है। विराट नगर, तो ये विराट नगर है। और अगर इसको देखा जाए कि यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि ये जो बताया जा रहा है ये विराट नगर ये महाभारत काल में था, महाभारत काल से के समय था, और कहा जाता है कि इसी क्षेत्र से होकर के राम वन को गए हुए थे और वन की यात्रा थी। यहाँ पर शिव शाक्त और वैष्णव धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचलन था, साथ ही साथ यहाँ पर कबीर पंथ का भी प्रभाव अधिक था। तो यहाँ पर कबीर पंथ का प्रभाव अधिक था, तो कबीर पंथ का भी यहाँ पे प्रभाव अधिक था, जिसके वजह से ये एक महत्वपूर्ण स्थान जाना जाता है। अब ग्वालियर की जब बात की जाए तो ग्वालियर में खुद ब खुद ऐतिहासिक क्षेत्र देखा जाए तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं ग्वालियर से लीड की थी और ग्वालियर से ही उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया था। तो ये भी एक सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र के रूप में जाना जाता है। वो तो ऐतिहासिक गतिविधियों का केंद्र था और देखा जाए कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है वहाँ पर, तो ग्वालियर में संगीत, नृत्य, मूर्तिकला और लोक चित्रकला का भी काफ़ी प्रचलन रहा है। साथ ही साथ लोक साहित्य की कोई भी विधा हो उसमें ग्वालियर का अगर नाम न लिया जाए तो वो संपूर्णता नहीं होती है। तो बिना ग्वालियर के ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ओल्डली ही आपको बताना ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि
अगर जलवायु की बात करें कि हम मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाते हैं और किस तरह की जलवायु की यहाँ पर अधिकता होती है, तो वो भी बड़ा आसान है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायुओं की। मध्य प्रदेश की जलवायु व्यवस्था, तो मध्य प्रदेश की जलवायु व्यवस्था में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर लगभग 84.6 इंच तक की बारिश होती है। अगर बारिश देखा जाए, वर्षा, तो 84.6 इंच तक की यहाँ पे बारिश पाई जाती है। अच्छी खासी बारिश है, जो लगभग कह दिया जाए कि 2150 मिलीमीटर, यानी इसको अगर देखा जाए तो 2150 मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पर होगा। और अगर देखा जाए कि उत्तर पश्चिमी जिलों में ये बारिश है तो बारिश कम हो जाती है और ये लगभग 39.4 इंच की ही बारिश होती है। तो ये जो वर्षा का रूप आपने देखा है, ये वर्षा का रूप जो है वो कुछ स्थानों में ही होता है। और साथ ही साथ यहाँ का जो गर्मी का जो मौसम होता है वो बड़ा ही सुहावना है। साथ ही साथ अप्रैल से जून तक यहाँ पर गर्मी का मौसम आता है, फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ पर मानसून का समय रहता है, जुलाई से सितंबर तक, और सितंबर के बाद फिर यहाँ पर शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो यहाँ के दक्षिण पूर्वी जिलों में जो होती है वो भारी वर्षा होती है, और भारी वर्षा जो होती है वो 54 इंच की है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने दिखाया ना कि 84 इंच। वहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारी वर्षा होती है, जो 2150 मिलीमीटर तक की वर्षा आंकी गई है। अगर 2011 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर लगभग 36,000 मील तक का वन क्षेत्र पाया गया है। और जो टोटल अगर राज्य की बात देखें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30.72% है। तो यहाँ पर जो वन क्षेत्र है वो राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है, उस राज्य के क्षेत्रफल का जो यहाँ पर व्यवस्था है, वह व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30.72% है। कितना है? राज्य के 30.72% जो क्षेत्र है वो वन का क्षेत्र पाया जाता है। भारत में स्थित कुल वन का क्षेत्र लगभग 12.30% है, और मध्य प्रदेश के सरकार ने इन क्षेत्रों को आरक्षित वन और संरक्षित वन और उपलब्ध वन, यानी तीन वनों की कैटेगरी में बांट करके रखा है। कौन कौन सी वनों की श्रेणी में रखा है? आरक्षित वन, संरक्षित वन और उपलब्ध वन। साथ ही साथ यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो बात कर लेते हैं। मिट्टी यानी सॉयल की, तो जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर वो अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी, उसके बाद लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है, फिर जलोढ़ मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है। तो आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में से मिटा दे रहे हैं, ये आप लगभग नोट कर चुके होंगे। मिट्टी के प्रकार में काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है मालवा क्षेत्र, है ना? तो मालवा क्षेत्र और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी की बहुतायत पाई जाती है। कौन कौन सी है? मालवा और बुंदेलखंड, ठीक है, ये है काली मिट्टी। फिर है लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बघेलखंड में। बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी की बहुतायत होती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जलोढ़।
उत्तरी मध्य प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ अगर लैटराइट मिट्टी देखें तो ये भी एक बीच का क्षेत्र, मध्य प्रदेश के जो बीच के क्षेत्र हैं वहाँ लैटराइट मिट्टी मिलती है। मिश्रित मिट्टी यानी सब तरह की मिट्टी मिलती है आपका ग्वालियर और चंबल में। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं कि मिट्टी के जो प्रकार हैं वो काली लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, एलोवियल जिसको बोलते हैं, उसी का ही यहाँ पर ज़्यादा बोलबाला है। बात करते हैं वनस्पति और जीव के जिसके लिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश जाना जाता है। वनस्पति और जीव, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें कि वन क्षेत्र तो हैं, लेकिन वन क्षेत्र के साथ साथ उन वन क्षेत्रों को अलग अलग कैटेगरी का नाम भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, तो यहाँ पे कौन कौन से पार्क हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहाँ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय यानी नेशनल, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान यानी पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वहां हमने इंग्लिश वाला वर्जन लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य, क्या है सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य, तो ये है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य। उसके साथ साथ क्या है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक और है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। उसके साथ साथ आपका है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका यही है। फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी आपका वही है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी वही है। पन्या जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, एक और राष्ट्रीय उद्यान का नाम आता है, क्या है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अब इतना सारा आपको क्यों बता दिया जा रहा है। अगर मान लेते हैं इसमें से कोई एक पूछ लिया और कहा कि बताइए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 18 बायोस्फीयर जो हैं मध्य प्रदेश में, उसमें से लगभग 3 तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में हैं। यहाँ पर जो प्राकृतिक संरक्षण की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं, ठीक है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रीय अभयारण्य को घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन, जो नदी वाली डॉल्फिन होती समुद्र वाली नहीं, उदबिलाव और कई प्रकार के कछुओं को संरक्षित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सागौन और साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन जंगलों में किसके वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सागौन और साल के वृक्ष यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। नदी की बात कर लेते हैं, है ना, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा, अभी आपको और इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल नदी के बारे में एक जानकारी ले लें, नदी, नदी यहाँ पर सबसे जो बड़ी नदी है और लंबी नदी है वो है नर्मदा नदी, यानी मुख्य नदी कौन सा है,
नर्मदा नदी। मुख्य नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। दरार घाटी के माध्यम से पश्चिम की ओर ये बढ़ती जाती है और विंध्य के विशाल पर्वतमाला और सतपुड़ा के पहाड़ी रेंजों से होती हुई ये कई सहायक नदियों जैसे सक्कर हो गया, है ना, देनवा हो गया, सोनभद्र आदि नदियों से ये मिल करके अपनी और भी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ा लेती हैं। साथ ही साथ नर्मदा ताप्ती जो सिस्टम है राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। बाकी नदियाँ जो हैं वो हैं आपका चंबल, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुनो, केन, है ना, और यमुना नदी में ये सारी नदियाँ जा करके मिल जाती हैं और उसके जो शक्ति है उसको बढ़ाती है। गंगा बेसिन के पूर्वी भाग में जो नदियाँ हैं वो सोन, टोंस और रिहंद नदियाँ हैं जो अमरकंटक के पास मैकाल पहाड़ से गुजरती हुई ये दक्षिण से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में जाकर के मिल जाती है। सोन और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं गंगा के मानसून का अथाह जल प्रवाहित करती हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो मध्य प्रदेश की नदियों का, वो मुख्य रूप से गंगा और यमुना नदियों के प्रवाह को और तीव्र कर देता है। ठीक है, अगर बात करें कि कृषि जलवायु क्षेत्र में कैसे कैसे बांटा गया है तो यहाँ पर जो परिक्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का जो है वो कैमूर का पठार है। कैमूर के पठार के साथ साथ विंध्य का पठार है, यानी अगर पठारी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो कैमूर का पठार है, विंध्य का पठार है, नर्मदा घाटी है, वैनगंगा घाटी है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर गिर्द यानी जिसको ग्वालियर कहा जाता है उसका क्षेत्र है, साथ ही साथ बुंदेलखंड है, सतपुड़ा पठार है, सतपुड़ा पठार के बाद फिर मालवा का पठार है, निमाड़ का पठार है और झाबुआ पहाड़ी है। तो ये सब जो हैं वो मध्य प्रदेश के निम्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में बटे हुए हैं और साथ ही साथ ये अलग अलग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टेट एनिमल क्या है, तो मध्य प्रदेश के जो राज्य के एनिमल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हटा दें, मध्य प्रदेश राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु यानी स्टेट एनिमल, तो स्टेट एनिमल किसको कहा जाता है? बारहसिंघा को। बारहसिंघा है और साथ ही साथ स्टेट बर्ड जो है वो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर राज्य पक्षी। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर इसे कहते हैं। फिर उसके बाद स्टेट का जो ट्री है, जो राज्य का ट्री है वो है आपका बैनियन ट्री। बैनियन ट्री का मतलब बरगद का पेड़, राज्य वृक्ष बरगद का वृक्ष, बरगद का वृक्ष है। फिर उसके बाद जो मछली है, मछली जो है वो है आपका महासीर मछली, टॉर्टोर जिसको बोलते हैं, टॉर्टोर फिश है। तो इसमें आ गया आपका राज्य की मछली। टॉर्टोर है, ठीक है, टॉर्टोर को कहा जाता है महासीर, महासीर मछली टॉर्टोर है। इसके बाद अगर बात करें कि स्टेट फ्लावर क्या है तो मैडोना लिली है। यहाँ पर स्टार जो आपका स्टार फ्लावर है, राज्य का जो फूल है वो है मैडोना लिली। राज्य का पुष्प मैडोना लिली। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो
राज्य में जो विविधताएं हैं वो विविधताएं बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे दिखने को मिलती हैं। अगर एक बार आप कोशिश करिएगा तो इसका जो चित्र है वो देख लीजिएगा। इन लोगों का चित्र बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर चित्र तो नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चित्र के साथ इन चीज़ों को एक बार देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा आपके समझ में आ जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी होगा कि आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद भी रहेंगी कि बारहसिंघा कैसा होता है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कैसा होता है, टॉर्टर यानी महाशीर मछली कैसी होती है, मैडोना लिली कैसा होता है, तो ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे पावर जनरेशन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 31 दिसंबर 2017 तक का जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार देखा जाता है कि 12,731 जो मेगावाट है वो थर्मल पावर उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रो पावर जो है वो लगभग है 3,223 मेगावाट की बिजली उपलब्ध करवा रहा है। और साथ ही साथ रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो है आपका 3,809 मेगावाट की शक्ति यहाँ से निकाला जा रहा है, और न्यूक्लियर जो है वो 273 मेगावाट की शक्ति, यानी यहाँ पे पावर जनरेट इतने मेगावाट का हो रहा है केवल मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगर रोड का नेटवर्क देखें तो नेशनल हाईवेज जो हैं वो लगभग 5,000 किलोमीटर तक के बनाए गए हैं, स्टेट हाईवेज जो लगभग हैं वो 10,000 किलोमीटर तक के हैं, और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो लगभग 19,000 किलोमीटर तक के हैं। तो यहाँ पे जो 19,000 है वो 19,000 का आंकड़ा आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 19,241 किलोमीटर है, 10,429 किलोमीटर है, और 5,027 किलोमीटर जो है आपका नेशनल हाईवेज है। बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का टूरिज्म कितना बढ़िया है। ठीक है, मध्य प्रदेश एक पर्यटन स्थल, तो मध्य प्रदेश एक पर्यटन स्थल की जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो बात आता है वो आता है ग्वालियर का किला। सदियों से प्राचीन रहा ये किला, जो प्रतिहार राजवंश का रहा हो या कछवाहा राजवंश का रहा हो या तोमरों का रहा हो, यहाँ पर स्मारक, महल और साथ ही साथ आपको सहेज कर रखे गए अनेक स्मृतियाँ यहाँ देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक राजा हुए जिनका नाम सूरज सेन था, वो मृत्युशैया पे थे, तो ग्वालियर में एक संत थे जिनका नाम था ग्वालिपा, तो ग्वालिपा संत ने उन्हें ठीक कर दिया, जीवन दान दे दिया, इस वजह से उन्हें सूरज जो राजा थे सूरज सेन थे उन्होंने खुश होकर इस क्षेत्र का नाम ही रख दिया ग्वालिपा से ग्वालियर। तो आने वाली शताब्दियों में यह बड़े बड़े राजवंशों की राजधानियाँ भी रही हैं, और उसके बाद राजस्थली भी बहुत अच्छे तरीके से मानी गई हैं। साथ ही साथ इसकी देशव्यापी पहचान भी बड़े अच्छे अर्थों में हुआ है। दूसरा अगर देखा जाए तो सैंड स्टोन का यह किला, जो किला बना हुआ है वो सैंड स्टोन का बना हुआ किला है, और इसके एक ऊंचे पठार पर इसको स्थित किया गया है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और काफ़ी ऊंची चढ़ाई जानी होती है और पतली सड़क से होकर जाना होता है। यहाँ पर जैन तीर्थंकर जो हैं उनकी विशाल मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं और बारीकी से जुड़ी जो उनकी मूर्तियाँ हैं वो गढ़ी गई हैं। किले के 35 फीट ऊंचाई पर इस किले का होना यह इस बात का गवाह है कि ये एक अविजित क्षेत्र रहा है अपने समय में। यहाँ पे गुजरी महल है, और गुजरी महल में राजा मानसिंह और उनकी जो रानी थी गुजरी रानी, उनके मृगनयनी के गहन प्रेम का प्रतीक जो है यहाँ पे गुजरी महल है वो देखा जा सकता है। यहाँ पे प्राचीन दुर्लभ पेंटिंग्स रखी गई हैं, साथ ही साथ मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो पता चलता है कि 1 AD तक की ये मूर्तियाँ इस समय वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जय विलास महल, संग्रहालय, मान मंदिर महल, तानसेन स्मारक और रानी लक्ष्मीबाई स्मारक इस जगह पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश एक पर्यटन के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मुरैना जब आ जाते हैं तो मुरैना में आपका संबलगढ़ किला है, और संबलगढ़ किला जो है वो लगभग मुरैना से 60 किलोमीटर अंदर की दूरी पर है।
मध्यकाल में यह किला पहाड़ी के शिखर पर बनाया हुआ एक सुरक्षित किला माना जाता था और इसका जो नींव रखा था वो सबल सिंह गुर्जर ने रखा था। साथ ही साथ करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया। कुछ समय बाद सिकंदर लोदी ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया था। जब सिकंदर लोदी का शासन आया तो अपने कब्जे में ले लिया और करौली के राजा ने मराठों की मदद से इस किले पर अधिकार रखा था। तो ये जितने भी रहस्यात्मक चीज़ें हैं, जितने भी एनेक्सेशन हैं, जितने भी चढ़ाई हैं, जितने भी सारी व्यवस्थाओं को आसपास रखा गया है, उन सबकी कलाकृतियाँ इस किले में आपको देखने को मिल जाएगी। सिंहोनिया जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह किला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। कुतवार जो है वो चंबल घाटी का सबसे प्राचीन गांव है और यहाँ पे कुंतलपुर के नाम से ये जाना जाता है। एक और है पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ जो है वो 12 मील की दूरी पर स्थित है मेन रोड से और यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि 80 गुफाओं की एक श्रृंखला है। तो 80 गुफाओं की श्रृंखला के साथ साथ यहाँ पर अगर और भी देखा जाए तो ये भीम बेटका गुफा के समकालीन माना जाता है और साथ ही साथ इन गुफाओं में पुरुष महिला चिड़िया पशु शिकार और नृत्य संबंधित व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। उसके बाद आ जाता है ओरछा। ओरछा में आपका वीर सिंह जी देव का महल है, साथ ही साथ चतुर्भुज मंदिर है। फिर यहाँ पे आप खजुराहो का दर्शन कर सकते हैं जो अपने कलात्मकता के कारण बहुत सारा प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि यह मंदिर विश्व भर में भारत का गौरव है। यहाँ पे हमें अपना तमाम जो है वो अनेक अनेक तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और चंदेल राजवंशी का दृष्टिकोण भी दिखेगा कि चंदेल राजवंशी राजपूत जो थे वो कैसे सोचते थे और किस तरह से इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पे मानव के भीतर दबे प्रेम की उदात्त भावनाओं को उजागर करती हुई बहुत सारी मूर्तियाँ भी दिखेंगी। यहाँ पर आपको कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये भी नोट कर लीजिए। क्या है यहाँ पर? कंदरिया महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है खजुराहो का। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है? कंदरिया महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, साथ ही साथ चित्रगुप्त मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है ना, और उसके बाद लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में, मतंगेश्वर मंदिर है, उसके बाद पूर्वी समूह में पार्श्वनाथ मंदिर, फिर यहाँ पर आपको दुलाल देव मंदिर है, दुलाल देव के बाद चतुर्भुज मंदिर है, पन्ना नेशनल पार्क है, चित्रकूट यहाँ पर आ जाएगा। जबलपुर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है जो अपने आप में बिल्कुल अलग है। फिर यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। फिर बांधव राष्ट्रीयगढ़ उद्यान है, उसके बाद उज्जैन है, इंदौर से 55 किलोमीटर दूर जो है वो उज्जैन है, जहाँ पर आप बहुत सारे मंदिरों को देख सकते हैं। यहाँ पर समय समय पर कुंभ भी लगता है, उसका भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। उज्जैन में मंदिरों की सबसे ज़्यादा भरमार है। यहाँ देखने योग्य जो मंदिर हैं वो है महाकालेश्वर मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, चिंतामन गणेश जी के हैं, पीर मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर है, भर्तहरी की गुफाएं हैं, काल भैरव हैं, वेदशाला हैं और नवग्रह मंदिर हैं। साथ ही साथ अगर भोपाल आ जाते हैं, राजधानी आ जाते हैं, तो राजधानी में नया और पुराने युगों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर तमाम जो हैं वो देखा जाए तो ताजुल मस्जिद भोपाल में मौजूद है और ताजुल मस्जिद के साथ जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, शौकत महल यहाँ है, गौहर महल है, स्टेट म्यूज़ियम है, गांधी भवन है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जैसे तमाम मंदिरों को यहाँ पर आप भोपाल में देख सकते हैं। फिर अगर भीम भेटका आपको पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा अच्छा लगता है और आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग 35 किलोमीटर दूर भोपाल से आपको जाना होगा। ये गांव है जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ एक पाषाण युग का अवलोकन आपको मिलेगा और यहाँ पे पाषाण युग के 600 भी से भी ज़्यादा चित्र देखने को मिलेंगे। और तो और यहाँ पे पाषाण युग भित्ति चित्रों का भी काफ़ी बड़ा संग्रह है। तो इतिहास के दृष्टिकोण से अगर जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं वो भीम बेटका भी जा करके उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का अगर पर्यटन क्षेत्र देखा जाए तो वो भी काफ़ी बड़ा और विकसित क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा है जहाँ पर देखा जा सकता है। धर्म की बात करें तो यहाँ पर लगभग 90% लोग हिंदू धर्म के हैं और 6% लोग लगभग मुस्लिम हैं, जैन 1% हैं, ईसाई
0.3% हैं, बौद्ध 0.3% और सिख 0.2% लोग यहाँ निवास करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सांची का स्तूप बौद्ध के लिए एक बड़ा केंद्र माना गया है। माँ शारदा की अगर बात करें तो यहाँ पे भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ शारदा पीठ भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा जो क्षेत्र है, वो 51 जिलों में बटा हुआ है और 51 जिलों में 10 जो हैं वो कमिश्नरी हैं। और साथ ही साथ 2017 तक अगर इसमें देखा जाए कि 2017 तक कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ, तो 51 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत और लगभग 23,023 जो हैं वो ग्राम पंचायत यहाँ पर हैं, 16 नगर निगम यहाँ पर हैं और 100 नगर पालिका और 264 जो हैं वो नगर पंचायत हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं, 10 कमिश्नरीज हैं और साथ ही साथ 313 जनपद पंचायत यानी ब्लॉक हैं, 23,023 ग्राम पंचायत हैं, 16 नगर निगम हैं और 100 नगर पालिका हैं और साथ ही साथ 264 नगर पंचायत के साथ मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, खेल में अगर देखा जाए तो खेल में यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिल है ना, तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब यहाँ के लोकप्रिय राज्यीय खेल हैं। खो खो के साथ गिल्ली डंडा के और कंचे और लंगड़ी जैसे पारंपरिक खेलों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेडियम के रूप में अगर देखते हैं तो स्टेडियम के रूप में नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, होलकर स्टेडियम इंदौर में है और मध्य प्रदेश की क्रिकेट की जो रणजी टीम में है, सर्वदेश प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था 1988 और 89 में, जब चंद्रकांत पंडित के नेतृत्व वाली उप विजेता टीम यहाँ पर होलकर स्टेडियम में अपना काफ़ी कुछ अच्छा रणनीति बनाकर खेली थी। भोपाल का एस बैग स्टेडियम जो है वो विश्व हॉकी सीरीज के लिए जाना जाता है और यहाँ पर संतोष ट्रॉफी में अगर देखा जाए तो फुटबॉल के क्षेत्र में संतोष ट्रॉफी भी यहाँ पर फुटबॉल टीम है जो संतोष ट्रॉफी में लगातार भाग लेता रहा। यानी ये कह लीजिए कि अगर फुटबॉल में ही देखा जाए तो फुटबॉल में यहाँ पर संतोष ट्रॉफी में खेलने वाले बहुत सारे लोग भोपाल से हैं। तो एक छोटा सा ये प्रयास था मध्य प्रदेश के बारे में, ताकि आपको एक हल्की से जानकारी मिल जाए कि मध्य प्रदेश है क्या, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके का यहाँ पर्यटन स्थल है, किस तरह की जलवायु है, किस तरह की मिट्टी है, कैसा वहाँ का जो शासन प्रबंधन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीरीज कोशिश करेंगे कि और भी आगे तक जारी रहे और आपको इन छोटी छोटी जानकारियों से दो चार ना होना पड़े, छोटी छोटी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा जीएस विद डीएस।